इसी के साथ रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। इस वक्त की बड़ी खबर मध्य प्रदेश से, जहां शिवराज सरकार का बड़ा ऐलान, मध्य प्रदेश में भी लागू होगा कॉमन सिविल कोड। कॉमन सिविल कोड के लिए जल्द बनेगी कमेटी। मध्य प्रदेश गृह विभाग ने उत्तराखंड से ली जानकारी। बता दें, उत्तराखंड, गुजरात, उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश में भी कॉमन सिविल कोड लागू करने की तैयारी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शिवराज सरकार का बड़ा ऐलान, मध्य प्रदेश में भी लागू होगा कॉमन सिविल कोड। बता दें, मध्य प्रदेश के गृह विभाग ने उत्तराखंड से ली जानकारी। उत्तराखंड, गुजरात, उत्तर प्रदेश के बाद एमपी में भी कॉमन सिविल कोड लागू करने की तैयारी। चलिए इसी के साथ इस खबर पे ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी मनीष जुड़ चुके हैं। मनीष, गुजरात, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बाद अब मध्य प्रदेश में भी कॉमन सिविल कोड लागू करने का ऐलान शिवराज सरकार ने कर दिया है। जी बिल्कुल अस्मिता, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और गुजरात के बाद अब मध्य प्रदेश में भी कॉमन सिविल कोड यानी कि जो समान नागरिक संहिता है वो लागू करने की जो कवायद है वो शुरू हो गई है। इसके लिए शिवराज सरकार ने जल्द ही कमेटी बनाए जाने का भी ऐलान किया है। उन्होंने बड़वानी के शहरभा में इसका ऐलान किया है कि मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू होती है तो सभी पंथ के लोगों के लिए एक रूप से एक समान लागू होगी। और बाकायदा मध्य प्रदेश के गृह विभाग ने उत्तराखंड से जो कमेटी है वो बनाने समेत तमाम चीजों की जानकारी भी वहां से ली है और इसका कैसा प्लान होगा, कैसी तैयारियां होगी, क्या रूपरेखा होगी, ये भी मध्य प्रदेश गृह विभाग ने वहां से बुलवाई है। लेकिन इसके दो बातें मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक देश एक विधान की बातें लंबे समय से चलती आ रही है, तो इसमें बड़ी बात यह है कि सभी के लिए, सभी नागरिकों के लिए एक कानून होगा और सभी जाति और सभी धर्म के लिए होगा। समान नागरिक संहिता का मतलब है कि भारत में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए समान कानून, चाहे वो किसी भी मजहब का हो, किसी भी जाति का हो। और मौजूदा वक्त में देश में हर धर्म जाति के लोग शादी, तलाक, संपत्ति का बंटवारा, जायदाद और बच्चों को गोद लेने जैसे तमाम जो मसले हैं उनका निपटारा जो है अपने पर्सनल लॉ यानी पर्सनल कानून के हिसाब से करते रहे हैं, चाहे वो हिंदू कोड हो या फिर मुस्लिम पर्सनल लॉ कोड हो, मतलब जो भी उनके पर्सनल कानून है उनके हिसाब से करते रहे। लेकिन अगर कॉमन सिविल कोड बनता है तो सभी धर्मों के लिए एक समान रूप से वो लागू होगा, सभी पंथों के लिए होगा, सभी जातियों के लिए होगा। लेकिन इसके सियासी मायने क्या है? देखिए, ये तो बात हुई कॉमन सिविल कोड की, लेकिन इसके सियासी मायने ये है कि शिवराज सिंह चौहान का जो यूसीसी लागू करने का जो बयान है गुजरात चुनाव के दौरान आया है और एक साल के भीतर मध्य प्रदेश में भी चुनाव है, तो इससे साफ संकेत है कि वोटों का जो ध्रुवीकरण होता है तो इसका सीधा फायदा बीजेपी को मिलेगा, जैसे उत्तराखंड में मिला है, जैसे हिमाचल प्रदेश से चुनाव के दौरान में बीजेपी ने जोर शोर से ये मुद्दा उठाया, गुजरात चुनाव में उठाया, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में उठाया, तो मध्य प्रदेश में भी आगामी एक साल के अंदर चुनाव होने वाले हैं विधानसभा चुनाव, तो इसका सीधा सा एक समीकरण ये है कि ध्रुवीकरण की संभावना अधिक है, इसके सियासी मायने अधिक है। जी बिल्कुल, सियासी मायने की आपने बात की, तो एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि मध्य प्रदेश की जनता के लिए ये कानून कितना कारगर साबित होगा? जनता की अगर बात करें, जनता के उससे हम अगर देखें तो ये कानून कितना कारगर साबित होगा मध्य प्रदेश की जनता के लिए? देखिए अस्मिता, ये मैं पहले कह चुका हूँ कि एक देश एक विधान की बात लंबे समय से मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे भारत में उठती रही है कि जब हमारा देश एक है तो देश का विधान भी एक है, तो सभी के लिए एक समान कानून भी होना चाहिए। तो जब हम संपत्ति के बंटवारे की बात करें, जायदाद की बंटवारे की बात करें, या शादी की बात करें, तलाक की बात करें, बच्चों को गोद लेने की बात करें, तो ये जो सारे जो मसले थे हम अपने पर्सनल लॉ के हिसाब से करते थे। मध्य प्रदेश में अगर ये कानून लागू होता है तो ये कहना बिल्कुल साफ है कि मध्य प्रदेश की अधिकतर जो जनता है उसका सीधे तौर पर फायदा होगा, क्योंकि ये झगड़े हम धर्मों के हिसाब से करते थे, अब हम उनको जो मसला हल है हम उनको अब कानून के हिसाब से करेंगे, तो कानून मध्य प्रदेश की जनता के लिए कारगर साबित होगा। जैसे कि हम उत्तराखंड की बात कर रहे हैं, गुजरात की बात कर रहे हैं, हिमाचल प्रदेश की बात कर रहे हैं, तो हमारी मध्य प्रदेश की जनता को भी उतना ही फायदा होगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो बड़ी खबर आपको मध्य प्रदेश से हमने बताई, जहां शिवराज सरकार का बड़ा ऐलान, कॉमन सिविल कोड जो है प्रदेश में लागू होगा और उत्तराखंड, गुजरात और उत्तर प्रदेश के बाद एमपी में भी कॉमन सिविल कोड लागू करने का ऐलान प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कर दिया है।